असलमकुम नई सोच और नई खबर के साथ मैं उमर खयाम नाजिन एन एस सेवेंटी फाइव डस्का में तहरीक लबैग पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़े चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर चुकी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोनों जमातों को टफ़ टाइम देने के लिए पुरजम दिखाई दे रही है पार्टी की पोजीशन को जांचते हुए और हल्के में जीत को यकीनी बनाने के लिए अमामा खादम रिजवी के जो साहबजाते हैं और अमीर तहरीक तरीक पाकिस्तान पाकिस्ताना साद रिजवी कल एक मरतबा फिर डस्का तशरीफ़ ला रहे हैं और वो डस्का में एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे रैली निकालेंगे और जलसे से खिताब करेंगे ये सात फरवरी को जब ये डस्का आए इससे पहले सात फरवरी को जब डस्का तशरीफ़ लाए तो हमने डस्का की सड़कों पर तहरीक लब्बै पाकिस्तान के वोटर्स की बड़ी तादाद देखी दो रैलियाँ निकाली गई जो एक रैली जो समड़ रोड से होती हुई डस्का पहुंची। दूसरी डेली शाम के वक्त सियालकोट से सियालकोट रोड से शुरू हुई और डस्का का जो कॉलेज रोड है वहाँ पर आकर एक तमाम पसी हुई वहाँ पर एक जलसा हुआ जिस जलसे में कर्कुनों की एक बड़ी तादाद शरीक हुई सद यी ने अपने कारकुनों से ख़िताब किया और उन्हें खूब मतहरक किया तो नाजिन इसके अलावा जब हम देख रहे हैं कि जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ डोर टू तो डोर कम्पेन में मसरूफ़ है कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है जलसे जुलूस हो रहे हैं वहीं हमें तहरीक लबैक लब पाकिस्तान भी इस इंतबी मुहिम में पेश पेश नज़र आ रही है भरपूर जलसे कर रहे हैं और इनके जल्सों में हमने कारकुनों की बड़ी तादाद देखी जो सोशल मीडिया पर भी हम फोटज़ देख रहे हैं उसमें भी हम रैली में तहरीक लब्ग के कारकनों की अक्सरीतीदाद उसमें मौजूद होती है तो जब हमने दो रोज़ कबल एक अवामी सर्वे किया डस्का सिटी में ख़ासतौर पर मेन बाज़ार में हम जब गए तो वहाँ पर हमें तरीके लबैक के जो वोटर्स की एक बड़ी तादाद देखने को मिली एक ख़ास तौर पर नाजन नौजवान वोटर जो कभी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता नज़र आ रहा था आज से दो तीन साल कबल जो नौजवानों की जमानत समझी जा रही थी आज हमें डस्का के नौजवानों की एक बड़ी तादाद तहरीक ल्बै को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है जो हमसे बात करते हुए जो शहरीों ने कारकुनों ने वोटर वोटर्स ने ये ये शदी तनकीद का निशाना बनाया जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं इन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो गुजशत तीन तीन दहाइयों से इकतदार में है और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीकानसाफ़ गुजशत ढाई बरस से बरसरेदार में है दोनों जमातों की जो पॉलीसीस हैं पॉलीसियों सेवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला इमरान खान को शदी तनकीद का निशाना कि इन्होंने इलेक्शन से कबल कितने वादे किए क्या क्या सब्ज बाग दिखाए तो उनमें से कोई एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ तो इसलिए वो वोटर्स बड़े पुरजम थे जो हाजी खलील साहब हैं उनको ये ये मार्का सर करवाने में इसके अलावा जब हमने विज़िट किया जो कॉलेज रोड के पर मरकजी इलेक्शन हाल है तरीके लबैक पाकिस्तान का वहाँ पर जो मुकामी अहदेदार मौजूद थे हमने उनसे बात की कि, कि क्या पोजिशन है आपकी पार्टी की तो उन्होंने बड़े इस यकीन के साथ कहा कि हम अक्सीयत के साथ वाजह अक्सरीत के साथ इस मैदान को इस, इस ज़िमनी मार्के को सर करेंगे तो जहाँ हमने नाजिन एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहन डस्कर में मौजूद हैं नशीन इफ्तार की कंपेन में मसरूफ हैं उनसे बातचीत की उनसे उनकी पार्टी के बारे में जाना। इसके हमने का किया, लबैक पाकिस्तान के जो खलील साहब उनसे भी रहा किया लेकिन वो की बुनियाद पर हम उनका लेने, की, लेने में कामयाब नहीं हो सके तो नाजन जस्का की शक्ल इख्तियार कर चुकी है उसमें तरीके लबैक पाकिस्तान जो है वो दोनों सियासी जमातों को का, की जीत और किसी की हार में और मैच का पासा पलटने की एक सलाहियत रखने वाली जमात मान चुकी है तो ये जो दो से ये जो दोनों बड़े बड़े उम्मीदवार हैं जिसमें एक तरफ जिसका हम पहले भी तस्करा कर चुके हैं सैद इफ्तार शाह की बेटी साहबजादी जो है नशीन इफ्तार इनके वालद साहब जो कई बरसों से हुकूमतों में जीते चले आ रहे हैं दस्क तरक्याती काम भी करवाए इसके अलावा जो अलीसमली साहब हैं वो भी दो बार वफाक वजीर रहे हैं इन दो जो बड़े जो पिलर्स हैं इनके दरमियान जो हाजी खलील साहब हैं उनकी जो पार्टी पोजिशन है वो इस इस जो एक इसको वो जाहिर करती है तरीके लब्बैक की सफ़र चल रहा है उनका जो दो से तीन साल पहले तरीके लब्बै ने सियासी सफ़र अपना शुरू किया था वो हमें आगे चलता हुआ नज़र आ रहा है तरीक़ लब्बै पाकिस्तान अगर, अगर अपनी मजमूरी तौर पर तंजीम साजी करें तो आइंदा आने वाले सालों में यह जमात बड़े नंबर के साथ उबरती हुई सामने उबर कर सामने आएगी अगर क्योंकि अगर हम दो हज़ार के इलेक्शन पर एक नज़र मारें तो दो हज़ार अठारह में एन एस फाइव में जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान का जो उम्मीदवार था वो चौथे नंबर पर आए थे इस्लाम साहब उन्होंने चौदह हज़ार से ज्यादा वोट लिए अगर हम मजमूरी तौर पर तरीके लब्बै के वोटों का जायजा लें तो जो एतिहाद था मजहबी जमातों का एम ए उससे ज़्यादा वोट तरीके ल्बै पाकिस्तान ने हासिल किए दो रोज़ कबल मरीम नवाज़ ने विज़ट किया जलसे से खिताब किया अपने कारकुनों को मतहर किया दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्त, पाकिस्तान तहरीकानसाफ़ के जो अहम रहनमां जिसमें उस्मान डार साहब हैं उमर डार हैं जिसमें हमने देखा सैफुल्ला न्याजी को देखा उसके अलावा हमने उमर मायर हैं और हमने डिप्टी स्पीकर कासम सूरी को भी डो डोर टू डोर मुहिम में मसरूफ़ देखा वही इन्हीं के मुकाबले में जो अपनी पार्टी को मजीद मजबूत करने के लिए और हल्के में एन एस सेवेंटी फाइव की जीत को यकीनी बनाने के लिए कल एक मरतबा फिर रामा साद रिजवी साहब डस्का पहुँचेंगे ये दस रोज़ में उनका ये दूसरा दौरा है तो नाजिन अब ये हमें हमने देखना ये है कि उन्नीस फरवरी को पाकिस्तान तहरीके लबैग पाकिस्तान कौन सी पोजीशन हासिल करती है क्या दोनों जमातों को पीछे छोड़कर ये एन एस सेवनटी फाइव की जीत को यकीनी बनाते हैं या फिर किसी की हार और किसी की जीत में कितना अहम करदार अदा करते हैं ये हमें इसके नतज तो जहरी बात है उन्नीस फरवरी को ही सामने आएंगे